आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुप्रान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम से बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें कि आज मेरठ नगर निगम में पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विजेता पार्षद रेशमा पत्नी दिलशाद भी पहुंची। वार्ड नंबर 75 मेरठ नगर निगम के वार्ड नंबर 75 की पार्षद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बनी है रेशमा पत्नी दिलशाद, और वहां पर वंदे मातरम कहने ना कहने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौच और बदतमीजी की है। ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को देखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेशमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरठ नगर निगम वार्ड नंबर 75 की पार्षद हैं, और आज शपथ समारोह था और वहाँ पर वंदे मातरम के लिए सब लोग खड़े हुए, रेशमा भी खड़ी हुई, लेकिन वंदे मातरम ना बोलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेशमा के साथ किए बदतमीजी। MIM के पार्षद रेशमा के साथ और वहाँ पर मौजूद पार्षद पति दिलशाद ने जब गाली गलौज करने पर विरोध किया, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेरठ नगर निगम से वार्ड नंबर 75 की पार्षद रेशमा के पति दिलशाद के साथ बीजेपी कार्यकर्ता हाथापाई कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं आप, हंगामा हो रहा है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठपुर मेरठ नगर निगम से आ रही है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड नंबर 75 से विजेता पार्षद रेशमा, क्योंकि आज शपथ समारोह था तो और पार्षदों की तरह रेशमा भी पहुंची शपथ समारोह में शपथ लेने के लिए। वहां पर जब वंदे मातरम के लिए खड़े हुए तो रेशमा भी खड़ी हुई वंदे मातरम का के अदब के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए उनके साथ गाली गलौज की कि उन्होंने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा, जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं वंदे मातरम। देखिए दोस्तों ये तस्वीरें, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जब रेशमा पार्षद रेशमा के पति ने गाली गलौज का विरोध किया तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मारपिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है, लोगों ने इनको चुनकर भेजा है जनता की समस्या के लिए, एक नेता बना के नेतृत्व करने के लिए, ये लोग कर रहे हैं वहां पर जाकर गुंडागर्दी, क्योंकि ये MIM से जीते हुए हैं इसलिए हो रहा है इनके साथ ये सब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विजेता पार्षदों पर हमले होने शुरू हो गए, यानी पहली बार में अभी बोर्ड की मीटिंगें शुरू नहीं हुई, शपथ भी नहीं लिया अभी पार्षदों ने, आज शपथ ही लेने के लिए वहां पर रेशमा पहुंची थी और उनके साथ ये हमला हुआ है, उनके साथ ये घटना घटी है, उनके साथ गाली गलौज की गई है और उनके पति दिलशाद ने विरोध किया तो उनके साथ मारपिटाई की गई है, और हुआ है ये तब जब शपथ समारोह के दौरान वंदे मातरम के लिए सभी वहां पर मौजूद पार्षद खड़े हुए, और उस वक्त जब रेशमा भी खड़ी हो गई लेकिन वंदे मातरम नहीं कहा, तो यही बात लगी है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को नेताओं को बुरी, तो उन्होंने रेशमा के साथ गाली गलौज करते हुए कहा तुमने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा। जब गाली गलौज की तो रेशमा के पति दिलशाद ने विरोध किया गाली का, तो उनके साथ मारपिटाई का वीडियो सामने आया है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम की घटना है और ये हुआ, ये घटना घटी है नगर निगम मेरठ के वार्ड नंबर 75 से AIMIM की पार्षद रेशमा पत्नी दिलशाद के साथ। तो दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं कि ये गुंडागर्दी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पूरी तरह से सामने आई है। इसको गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, अब देखना यह है कि वहां की प्रशासन क्या करती है, सरकार इस पर क्या करती है। एक विजेता पार्षद और वो भी महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी की जाएगी, गाली गलौज की जाएगी, और उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ मारपिटाई की गई है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर निगम का वीडियो सामने आया है। दोस्तों अब आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम मेरठ के वार्ड 75 से पार्षद रेशमा के पति दिलशाद के साथ जो घटना घटी है, ये आप वीडियो देख रहे हैं। इस पर इन्होंने क्या बताया है आप देख सकते हैं, इनको मार मार के पीट पीट कर धकेला जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं। इस पर दिलशाद का क्या कहना है, रेशमा जो MIM की पार्षद है मेरठ नगर निगम वार्ड नंबर 75 से, रेशमा नाम है उसके पति हैं दिलशाद, इन्होंने इस घटना के बाद क्या कहा है मीडिया से खुलासा करते हुए, क्या आरोप लगाया इन्होंने, आरोप नहीं जो घटना घटी है वो बताइए, सुनिएगा इनकी जबानी। नरेश कुमार कश्यप 12 वार्ड नंबर 12, सुमित कुमार वार्ड नंबर 13, रामपाल सिंह वार्ड नंबर 14, गुंजन
क्या मामला हुआ अंदर, कहाँ क्या पार्षद हो, क्या हो? मेरी पत्नी पार्षद है। कौन से पार्षद है? वार्ड पिछहत्तर से। कौन सी पार्टी से? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हम लोग पार्षद है। क्या हुआ अंदर? अंदर क्या हुआ, अंदर वंदे मातरम हुआ था, सभी लोग खड़े हुए, हम भी खड़े हुए वंदे मातरम में। खड़े होने के बाद में फिर वंदे मातरम जैसे ही समाप्त हुआ तो बीजेपी के लोग, क्योंकि तुम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ रहे, उस बात से उनकी जो ना धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमारे पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, तो मैं अपने पार्षद के पास गया, उनकी सीट के पास, तो हमारी जो महिला है उनके साथ बीजेपी के कुछ आदमी कह रहे कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। किसने मारपीट की है? बीजेपी के सारे लोग थे, सभी ने मुझे मारा। वंदे भारत गाने का विरोध कर रहे थे? नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं, कोई अपशब्द कहे थे आपने? नहीं, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक से बजाइए यहाँ से हाथ पकड़ के उसे कह रहे आप वंदे मातरम। नहीं, हमारी महिला वंदे मातरम में खड़ी थी, वंदे मातरम में खड़ी थी। क्या शब्द कहा था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, बस इसी बात के ऊपर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। क्या बदतमीजी कर रहे थे? वो कह रहे थे आप जाइए, हाथ पकड़ के कह रहे आप जाइए यहाँ से। हम लोग कौन से वार्ड से पार्षद? वार्ड 75 से पार्षद। आपकी पत्नी पार्षद है? आपकी पत्नी पार्षद है। क्या नाम है आपकी पत्नी? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है।